महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत, कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। देखिए, मैं कल भी कह चुका हूं, उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बार दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है उनके दृष्टि से। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत, कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। मातोश्री का जो इमेज था कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे, वो इमेज उद्धव जी ने इन लोगों के षड्यंत्र में आके खो दी है। कांग्रेस कभी भी उद्धव जी को पसंद नहीं करेगी, और मुझे लगता है उद्धव जी की हालत अभी ऐसी स्थिति है कि वो शोले पिक्चर में था, जेलर, आधे इधर आधे उधर, मेरे साथ कोई नहीं। और एक हिंदी में गाना भी है, कोई लौटा दो मुझे बीते हुए दिन। ये हालत उनकी बन चुकी है। लगभग यही हालात जो है उनके पीछे में भी दिख रहे हैं कि आज शिवसेना की तरफ से बयान आया कि महाराष्ट्र कांग्रेस सक्षम ही नहीं है शिवसेना डिस्कशन करने के लिए, हम दिल्ली जाएंगे और राहुल गांधी से बात करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी हालत इतनी खराब की है उद्धव जी की, कांग्रेस पार्टी के घर जाना पड़ रहा है। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस पार्टी के घर जाना पड़ेगा, मैं मेरी शिवसेना बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। ये हालत देखना चाहिए उद्धव जी ने क्या करके रखी है। उद्धव जी के साथ हम युति में रहे हैं, हमको भी तरस आता है कि इस प्रकार की हालत उद्धव जी करना ठीक नहीं है। नाना पटोले ने स्वयं मुख्यमंत्री घोषित कर दिया खुद को, जयंत पाटिल खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे, पवार साहब उनको घोषित कर रहे, वरेट्टीवार जी मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक नेता जब आप महाविकास आघाड़ी का मानते हो उद्धव ठाकरे को, तो कैसे क्या हिम्मत होती है नाना पटोले की मुख्यमंत्री, खुद ही बोलते हैं ना नाना पटोले, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अब जयंत पाटिल जी को शरद पवार जी ने कहा ही है, और सुप्रिया जी तो ऑलरेडी डिक्लेयर है, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से डिक्लेयर है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी जब महायुति में है, पूर्व मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं घोषित करते शरद पवार साहब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, क्यों नहीं घोषित करते हैं कांग्रेस पार्टी उद्धव जी मुख्यमंत्री रहेंगे। हो गई उपयोगिता खत्म उद्धव ठाकरे जी की, कर लिया आपने जो षड्यंत्र करना था बीजेपी के साथ, शरद पवार साहब ने बीजेपी के साथ जो षड्यंत्र करना था वो कर लिया पूरा, हमारी ये 25 साल की युति तोड़ दी उन्होंने, हम जवाबदार नहीं है। शरद पवार के गेम में उद्धव ठाकरे जी आ गए, ऐसा मुझे लगता है। सर, कोई दरवाजा या कोई खिड़की खुली है? नहीं नहीं, मैं ऐसा आज कह नहीं सकता, लेकिन जिस प्रकार से उद्धव जी ने हमारे खिलाफ, जिस प्रकार से 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से शरद पवार साहब के गेम में आकर बीजेपी शिवसेना के गठबंधन का जो एक प्यार था, प्रेम था, पूरी तरह से निस्तनाबूत कर दिया। अब मुझे पवार साहब ने उद्धव ठाकरे जी को फंसाया, कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को फंसाया, हमने उनको कभी नहीं फंसाया। उद्धव आप निकालेंगे उनको इस जाल से? नहीं नहीं, वो आज तो महाराष्ट्र जनता तय करेगी। एक आखिरी सवाल, संजय राउत कह रहे उनका वापस से वही बयान है कि सीबीआई, ईडी, ये बीजेपी की बी सी एबीसी टीम है। बहुत साल हो गए संजय राउत के कहते कहते, लोकसभा में चल गया झूठा बोलना। अब वो बातों से लोग कुछ मायना रखते नहीं है, बात चाहिए लोगों को विकास की। महाराष्ट्र का विकास जो कर सकता है वो महायुति कर सकती है, डबल इंजन सरकार कर सकती है,
मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री और मोदी जी का और केंद्र सरकार का पूरा फायदा राज्य को मिले, ये भावना जनता की। महाराष्ट्रातील ताजा बातम्यांसाठी बघत रहा टाइम्स टुडे टीम सोबत, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि हां, बेल आयकॉन प्रेस करा।